होटल जैसे दाल फ्राई घर पे बनाएं। नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पर। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको होटल स्टाइल दाल तड़का या दाल फ्राई या पीली दाल, बहुत से नामों से जाना जाता है। मैं दाल बनाने जा रही हूँ दाल फ्राई। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत कम समय में, बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ दाल फ्राई होटल स्टाइल कैसे बनते हैं। तो चलिए, इस तरह का दाल बनाने के लिए मेरे साथ मेरे किचन मैं आपको बताती हूँ कैसे इस तरह के दाल फ्राई बनते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्वादिष्ट। जो दाल नहीं पसंद करते वो भी इस तरह का दाल मांग मांग कर खाएँगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ दाल फ्राई इस तरह कैसे बनते हैं फटाफट होटल स्टाइल। तो दाल फ्राई के लिए मैंने एक कटोरी से दाल ले लिया है, अच्छे से धो लिया तीन चार पानी से। दाल मेरा अच्छे से साफ़ हो गया है, मैं कुकर में डाल दूँगी इसे। अब मैं इसमें इसी कटोरे से के नाप से ढाई कटोरे के लगभग मैं डालूँगी पानी, मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर आधा चम्मच के लगभग, और आधा चम्मच मैं डालूँगी नमक क्योंकि मुझे फ्राई करूँगी उसमें भी डालना है। आधा चम्मच के लगभग मैंने नमक डाल दिया और इसे गैस पे मैं चढ़ा दूँगी, इसका ढक्कन बंद करके गैस ऑन कर दूँगी। तो कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, गैस हाई फ्लेम पे, एक सीटी दे देगा मेरा गैस चूल्हा, तो मैं गैस को कम कर दूँगी। और तो 3 से 4 मिनट तक मैं लो फ्लेम पे गैस को रखूँगी, उसके बाद गैस को बंद कर दूँगी। और जब कुकर का सीटी पूरा निकल जाएगा उसका हवा, तो मैं इसे खोलूँगी। दूसरे साइड मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डालूँगी घी। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। मैं इसमें घी, देसी घी डाल रही हूँ। घी का वीडियो मैंने कैसे निकाला जाता है गाय का शुद्ध घी मैंने पिछले वीडियो में डाला है, मैं लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मैं घी डालती हूँ, मेरा पैन गर्म हो चुका है, मैं इसमें घी डाल दूँगी। देख रहे हैं 2 चम्मच के लगभग मैं इसमें घी डालूँगी, घी को गर्म हो जाने दूँगी। तो जब तक मेरा घी गर्म हो रहा है तब तक मैं दिखा देती हूँ तड़के के लिए मैंने कुछ सामग्री ले रखी है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज, इसे बारीक काट लिया है। कुछ कलियाँ लहसुन के लिए जिसे बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे कुछ अदरक लिया था जिससे भी बारीक मैंने कट कर लिया है। कुछ करी पत्ते लिए हैं मैंने, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 मैंने हरी मिर्च लिया, उसे बारीक काट लिया है। यहाँ पे धनिया पत्ता ले लिया है थोड़ा सा। 2 मैंने टमाटर लिया, उसे बारीक काट लिया है। यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है आधा चम्मच, और आधा चम्मच से कम मैंने हल्दी पाउडर लिया है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया है। 3 मैंने लाल साबुत मिर्च लिया है और 1 तेज़पत्ता लिया है। और यहाँ पे आधा चम्मच मैंने जीरा लिया है, इससे मेरा घी गर्म हो चुका है, इसमें जीरा डाल देती हूँ और जीरा चटकने देती हूँ। तो जीरा मेरा चटक चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन जो मैंने बारीक काट कर रखे थे। इसे मैं 4 से 5 सेकंड भूनूंगी जिससे अगर चप्पन दूर हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी करी पत्ता और साथ ही मैं प्याज डाल दूँगी। और ये सबको अच्छे से मैं मिला लूँगी। और प्याज लाल होने तक मैं इन्हें भूनूंगी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने लाल खड़े मिर्च लिए थे और तेज़पत्ता, इन्हें पका लेती हूँ। और अदरक जो मैंने काट कर रखे थे उसे भी मैं डाल दूंगी। साथ में मैं हरी मिर्च डाल दूंगी, इन सभी को डालकर मैं भूनूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। नमक मैंने दाल में भी डाला है, तो आधा चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी कि प्याज मेरा अच्छे से गल जाए। तो आधा चम्मच के लगभग मैंने इसमें भी नमक डाल दिया है। गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं रखूँगी और इसे फ्राई करूँगी।
देखिए कुकर मेरा सीटी मार चुका है, मैंने गैस को कम कर दिया है। अब लो फ्लेम पे मैं इसे 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी, तक मैं दाल अच्छे से पक जाए, उसके बाद गैस बंद कर दूंगी। तो मेरा प्याज पक चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर जो मैंने बारीक कट कर रखे थे 2, उसे अच्छे से मिला दूंगी मैं। और मिलाने के बाद मैं टमाटर को तब तक पकाऊंगी जब तक अच्छे से गल नहीं जाते। टमाटर भी लगभग मेरा पक चुका है, तब मैं इसमें ऐड करूंगी मैंने जो धनिया पाउडर ले रखा था, उससे हल्दी पाउडर और साथ में मैं गरम मसाला डाल दूंगी। इन सबको अच्छे से मैं मिला दूंगी। और सब मिलाने के बाद मैं इसे 3 से 4 मिनट भूनूंगी ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। जब मेरा कुकर सीटी दे चुका था, मैंने गैस कम कर दिया था, 4 मिनट हो गया तो मैंने गैस बंद कर दिया है। अब मैं इसका सीटी निकलने दूंगी खुद से, उसके बाद मैं इसका ढक्कन खोलूंगी। मैं इसे भून लेती हूँ। तो देखिए मेरा दाल हो चुका है, अपनी सीटी निकल चुका था, कितने अच्छे से दाल मेरा पक चुका है। इधर मेरा तड़का का भी तैयारी हो चुका है, तो मैं इसमें दाल डाल दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके सभी दाल को मैं इसे मिला दूंगी। देख रहे कितना अच्छा लग रहा है। दाल मिलाने के बाद गैस को मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूंगी और इसे 2 से 3 मिनट तक मैं पकने दूंगी ताकि अच्छे से मसाले मेरे मिल जाए दाल में। कितना अच्छा दाल मेरा लग रहा है। देखिए दाल मेरा कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं 2 से 3 मिनट तक इसे छोड़ देती हूँ पकने के लिए, तब तक मैं दूसरे साइड तड़का लगाने की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने गैस चला लिया है और गैस पे एक कढ़ाई रख लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच घी, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। घी से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, इसमें मैंने डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा। मेरा घी गर्म हो जाए तो मैं इसमें जीरा डाल दूंगी 1 चम्मच। देखिए मैं जीरा डाल रही हूँ 1 चम्मच के लगभग, इसे चटकने दूंगी। तो जीरा मेरा चटक चुका, अब मैं इसमें ऐड करूंगी देगी लाल मिर्च। ये तीखा नहीं होता है, कलर बहुत अच्छा आता है, स्वाद भी बढ़ जाता है, इसलिए मैंने डाल दिया है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और तड़का लगाऊंगी। तो चलिए मैं इसे अब सर्व कर दूंगी और सर्व करने के बाद मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे दाल फ्राई, जितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट लगेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है, बिल्कुल होटल स्टाइल। इसे एक बार इस तरह से बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। अगर आपको 2 रोटी का भूख होगा तो 4 रोटी खा लेंगे, इतना ये स्वादिष्ट लगता है दाल फ्राई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने तड़का लगाया था उससे। देख रहे हैं इससे और भी स्वाद बढ़ जाता है इसका, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरह से दाल आप ज़रूर बना खाइए, बहुत ही पसंद आएगा। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।